परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य है और प्रार्थना ही उसकी सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। जो आपके कर्म प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आप कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, आपकी काया द्वारा महाभयानक प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही निवारण है, उस परम शक्ति का ज्ञान, उस परम शक्ति की प्रार्थना, उस परम शक्ति का भेद आपको जानना अति आवश्यक है। अपनी अंतर मनन द्वारा किए गए कार्य वही आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए आप उस परम शक्ति से विनम्र निवेदन कीजिए, उस परम शक्ति से आप उस प्रार्थना कीजिए, हे मालिक, जो हमसे भूल हुई हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, उसको क्षमा कीजिए, जो हमसे पाप हुए हैं वो हमारे पाप दूर कीजिए। जब ही आपका रोग ठीक हो सकता है, अन्यथा कितनी भी इलाज कराइए, कितनी भी दवा कराइए, आपका रोग ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका रोग वो परम शक्ति परमात्मा का दिया हुआ कारण है और आपका रोग वो कर्म द्वारा दिए हुए कारण हैं। उन्हीं कारण में फंसे हुए आप सदा प्रताड़ित होते रहते हैं, आप सदा कर्मों को भोगते रहते हैं। आप अपने कर्म बंधनों को सही करना चाहते हैं तो परमात्मा से बड़ा संसार में कोई भी डॉक्टर नहीं है। आप भरोसा कीजिए, एक बार विश्वास ठहराइए, अपने अंदर में उसको बैठा लिए, अपने मन में उस शांति का पाठ पढ़ाइए कि परम शक्ति ही ज्ञान है, परमात्मा ही वैद है, वही आपकी आत्मा का मोच कराता है, वही आपके कर्म बंधनों को काटता है, वही तो सबसे बड़ा प्रार्थना ही सबसे बड़ी दवा है। जो आप दवा कर लेते हैं, लाखों रुपए तो बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उस मालिक से सच्ची प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी कष्टमय होती है, क्योंकि प्रताड़ना तो शरीर को मिलती है, लेकिन आत्मा घोर नरक को प्राप्त होती है। यही प्राप्ति समाप्त करने के लिए उस परम शक्ति का ज्ञान प्राप्त करें, उस परमात्मा का ज्ञान का प्राप्त करें, उस वैद्य का ज्ञान प्राप्त करें जो आपके हर रोग की दवा है, क्योंकि हर रोग की दवा हर रोग को समाप्त करने की क्षमता रखता है, हर रोग को दूर हटाने की क्षमता रखता है, हर दोष को हटाने की क्षमता रखता है। सिर्फ उसे पहचान लीजिए, उसे जान लीजिए, वही तो आपका सबसे बड़ा वैद्य है। उस वैद्य को जानिए कि जो संत, जो उस निर्मल सत्संग 11 द्वारा उस परम शक्ति का बोध करते हुए परम शांति में तब्दील हो जाते हैं, अपने दोषों को हर समय उस परम शक्ति में बोध करते हुए सदा सदा के लिए समाप्त कर देते हैं, वही तो सबसे बड़ी प्रार्थना है। सच्चे मन द्वारा की हुई प्रार्थना आपको परमात्मा की प्राप्ति कराएगी। सच्चे मन द्वारा किया हुआ प्रार्थना आपको सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति कराएगी। सच्चे मन द्वारा की हुई प्रार्थना आपके प्रताड़ित कर रहे जो रोग दोष हैं सबको सदा सदा के लिए समाप्त कर देगी, वही तो प्रार्थना है। प्रार्थना एक दवा है, जैसे दवा काम करती है उसी प्रकार एक दुआ काम करती है। आपकी दुआ उस परम शक्ति में प्रवीण हो करके आपके काया में सदा सदा के लिए रोग नाश कर देगी। जो रोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो भोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कर्म बंधन आपको परेशान कर रहे हैं, वो कर्म बंधन सदा सदा के लिए ठीक कर देंगे। यही तो एक संत के गुण हैं। आप अच्छे गुण कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, उस परमात्मा को वैद्य समझिए, आपके सभी कार्य समाप्त होते हुए, सभी दोष समाप्त होते हुए आप सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाएंगे, आपको परम गति की प्राप्ति होगी, आपका सदा कल्याण होगा। आप ज्ञान अच्छा लीजिए, क्योंकि आपके ज्ञान लेने से उस परम भेद का मालूम होता है, परम पिता का भेद मालूम होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप सर्व
कर्मों से रहत होते हुए सद्गुणों में लीन हो जाएंगे, आपका सदा कल्याण होगा। आप निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, आपको परम सत्य ज्ञान, परमात्मा का भेद और परम अज्ञानता को दूर करते हुए सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाएंगे, आपका सदा कल्याण होगा। सत्य गुरुदेव।